नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो पिछले दिनों में सिर्फ एक बैड न्यूज के कारण, मतलब कंपनी के अंदर से कुछ न्यूज आया, मतलब न्यूज नहीं आया, सिर्फ कुछ बैड न्यूज के कारण स्टॉक के ऊपर अराउंड अराउंड 5 से 6% क्रैश हो गया था। और इस तरीके से क्रैश होने के पीछे कारण भी है, मैं कुछ रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है वो भी बता रहा है कि नेक्स्ट जो टारगेट है वो अदानी ग्रुप के तरीके से ही ऑपरेट किया जा रहा है। एक कंपनी है उसके ऊपर भी हिंडनबर्ग अटैक करने वाले हैं, तो वो कौन सा कंपनी है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, मेरे एक अंदाजा थोड़ा सा उसी कंपनी के ऊपर टारगेट रखेंगे, इस तरीके से कुछ अंदाजा है। देखिए, ये 100% सियोरिटी नहीं है, मैं एक जिस तरीके से रिसर्च करता हूँ उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। देखिए, जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है वेदांता। आप सभी जानते हैं विडल के बारे में। देखिए, विडल जो है ना, इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। अगर इस कंपनी के डिटेल्स आपको मैं दिखा दूं, अगर एक बार मैं रिपोर्ट दिखा दूं, तो आपको दिखेंगे कितना, 59,000 करोड़ का कर्जा। आप कहेंगे सर 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और 1% का डेप्थ है, तो आप क्यों बता रहे हैं कि इतना बड़ा कर्जा है। देखिए, कंपनी का जो कर्जा है ना वो यहाँ पे नहीं है, कंपनी का कर्जा वेदांता एंटरप्राइजेस में है। तो जो देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रेशर में है, लाखों करोड़ का कर्जा लेकर रखा है, और उस कर्जे को अगर नहीं चुकाएगा तो उसका हालत तो खराब होगा ही, वो कंपनी तो बंद होगा ही, साथ ही साथ वेदांता के ऊपर भी प्रेशर बहुत बड़ा आ जाएगा। देखिए, आज अदानी के ऊपर क्या हुआ, क्या अदानी के हर कोई कंपनी इसके ऊपर कर्जा था, क्या हर कोई कंपनी बहुत बड़ा डेप लेकर रखा था? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। फिर भी अदानी के हर कोई स्टॉक के ऊपर 70 से 80% क्रैश देखने को मिला। क्यों? क्योंकि उसी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो इसलिए हर लोगों को लगता है कि अदानी ग्रुप गिर रहा है तो हर कोई कंपनी गिरेगा। तो सेम टू सेम अगर वेदांता के ऊपर इस तरीके से नेगेटिव न्यूज आते रहे तो वेदांता के भी स्टॉक गिरने लगेंगे। तो देखिए, इस तरीके से न्यूज आने के कारण पिछले दिनों में तो 4.5% 5% तक क्रैश देखने को मिला था, तो क्लोजिंग अराउंड 5% के आसपास देखने को मिला है। तो रही बात रिपोर्ट क्या है, वो सबसे पहले जानना जरूरी है। तो रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो हिंडनबर्ग जो है वो उसके बारे में बात करूं सॉरी रिपोर्ट जो है उसके बारे में बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द इकोनो टाइम्स के ऊपर मैं आ चुका हूँ, इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। तो क्या पब्लिश किया गया है कि वेदांता, यहाँ पे देख सकते हैं, वेदांता बोला गया था एक रिपोर्ट के माध्यम से कि वेदांता 630 मिलियन US डॉलर जो स्टेक है खुद का वो सेल करने वाले हैं। क्यों सेल करेंगे? क्योंकि उसका जो डेप्थ है उसको मिटाने के लिए। देखिए, इस तरीके से न्यूज जो है वो टोटली इस न्यूज को फेक कहा जा रहा है, और मैं नहीं बता रहा हूँ, खुद वेदांता का जो मतलब ओनर है उन्होंने, यहाँ पे देख सकते हैं, वेदांता डिनाइज मीडिया रिपोर्ट ऑफ अग्रवाल, मतलब जो वेदांता का जो मतलब ओनर है उन्होंने खुद बताया, आप खुद देख सकते हैं, अनिल अग्रवाल डिनाइज एनी मतलब यहाँ पे देखिए अटेंशन टू सेल स्टेक इन वेदांता, मतलब कोई भी अटेंशन अभी नहीं है खुद का स्टेक सेल करने के लिए। वो बता रहे कि अभी तक भी इतना हालत खराब नहीं हुआ कि मेरा खुद का कंपनी का स्टेक मुझे बेचना पड़े। तो रही बात इस न्यूज के चलते हुए, तो पहले देखिए न्यूज आ गया था, उसके बाद इस तरीके से डेटा पब्लिश हुआ, और देखिए मार्केट हमेशा ना एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अगर आप चाहेंगे भी ना तो भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट पहली बात ऑलमोस्ट US मार्केट के कारण प्रेशर में है, दूसरी बात इन्फ्लेशन रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तीसरी बात हिंडनबर्ग के लगातार रिपोर्ट आ रहा है कि फिर से वो एक कंपनी के ऊपर अटैक करेगा। तो मुझे लगता है इस बार जो अटैक होने वाला है, देखिए ये मेरा खुद का ओपिनियन है, ये मैं किसी के ओपिनियन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आप इसको फाइनली समझ भी मत लेना, क्योंकि हिंडनबर्ग जिस तरीके से रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो हिंडनबर्ग जो नेक्स्ट टारगेट रखे हैं फिर से क्रैश कराने के लिए, वो मुझे लगता है वेदांता ही होगा। क्योंकि बाकी सारे कंपनीज का हालत देखा जाए तो ठीक ठाक ही है, इतना बड़ा ग्रुप नहीं है। तो हिंडनबर्ग खुद बता रहा है, आप खुद जाकर हिंडनबर्ग के वेबसाइट में चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं, उन्होंने खुद बताया है, यहाँ पे देख सकते हैं,
ब्लैक हाउ इन्फ्लेट यूज्ड, यहाँ पे देख सकते हैं मेटेरियल्स एंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, फ्रिक्शनलेस एंड मेट्रिक्स एंड फ्रिक्शनलेस। तो यहाँ पे जो फ्रॉड का आरोप लगाया जा रहा है, फिर से फ्रॉड का आरोप लगाने वाला है, और ये भी एक बड़े कंपनी है। तो टोटल यहाँ पे देखिए कैश आउट ओवर 1 बिलियन डॉलर, तो इतने बड़े फ्रॉड आरोप फिर से लगाने वाले हैं दूसरे कंपनी के ऊपर। जो अदानी ग्रुप के ऊपर तो उनका काम हो गया, तो अदानी ग्रुप के ऊपर जो प्रेशर देना था वो तो हो गया, और उसके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी दूसरे कंपनी को वो टारगेट रखे। देखिए हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है ना, सिर्फ कुछ ही रिपोर्ट यहाँ पे देखिए, ये जो रिपोर्ट है बड़ा बड़ा चढ़ाकर वो कुछ डेटा भी यहाँ पे सामने रखते हैं। हर डेटा उसका पॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि यूएस मार्केट में भी उसका नेगेटिविटी है। यूएस मार्केट में तो उसको बैन किया गया है किसी कंपनीज के ऊपर रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए। तो देखिए आज वो इंडियन मार्केट के ऊपर अटैक कर रहा है। देखिए आज यूएस मार्केट चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि खुद का कंट्रीज तो डूब रहा है, तो इंडिया ग्रोथ कर रहा है, तो इसका इसको ग्रोथ ना होए, तो इसीलिए वो प्रेशर करेगा। तो वो मुझे लगता है इस तरीके से रिपोर्ट इसीलिए प्रेशर किया जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी को खराब किया जाए, क्योंकि देखिए इस बार G18 भी साइन होने वाला है 2023 में। 2023 में इंडिया फर्स्ट टाइम G18 को भी साइन करेगा। तो इस साइन अगर हो जाए तो इंडिया भी एक मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए ये हमेशा देखिए बड़े प्लेयर्स कभी नहीं चाहेंगे, देखिए जिसके पास पैसा है वो क्या कभी चाहेंगे कि छोटे आदमी पैसा बनाकर बड़ा हो जाए, ऐसे बिल्कुल नहीं चाहेंगे ना। तो इस तरीके से रिपोर्ट इसीलिए बार बार पब्लिश किया जाता है। तो मेरे एक एनालिसिस के हिसाब से मैं खुद बता रहा हूँ, यहाँ पे जो हिंडनबर्ग जो रिसर्च करके बता रहा है कि फिर से एक कंपनी के ऊपर वो आरोप लगाने वाला है, रिपोर्ट पब्लिश करने वाला है, तो मेरे हिसाब से ये रिपोर्ट मेरे हिसाब से ऑब्वियसली विदंता के ऊपर जाने वाला है। देखिए मैं फाइनल आपको बता नहीं रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से विदंता के ऊपर कर्जा है, तो इस तरीके से जो यहाँ पे भी कर्जा बताया जा रहा है, जो कैश आउट ओवर 1 बिलियन डॉलर, तो मुझे थोड़ा सा तो मतलब कंबाइन थोड़ा सा सेम टू सेम लग रहा है, एक ही देखने को मिल रहा है। तो रही बात वेदेंता की, तो वेदेंता का जो सीईओ है मतलब वेदेंता का जो ओनर है तो अग्रवाल जी, उन्होंने खुद बताया कि यहाँ पे जो फेक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है कि 630 मिलियन का स्टेक बेचा जाएगा, तो इस फेक रिपोर्ट के कारण स्टॉक के ऊपर गिरावट देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर अगर रिपोर्ट फेक है तो यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश किया गया है मार्केट क्लोजिंग होने से पहले, तो मार्केट को रिकवरी कर लेना चाहिए था, मगर मार्केट ने रिकवरी क्यों नहीं किया? पहली बात, पहली तो इंडेक्स में गिरावट हो गया था, दूसरी बात लोग जानते भी हैं हाँ इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, तो आज नहीं तो कल उसको स्टेक बेचना ही पड़ेगा सस्टेन करने के लिए। आज गौतम अदानी क्या कर रहा है, गौतम अदानी खुद का कंपनी का हिस्सेदारी बेच बेच कर खुद का कर्जा मिटा रहा है, तो यहाँ पे भी वही हालत देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मार्केट ने एक मतलब एक अंदाजा लगा लिया है कि इस तरीके से सिनेरियो आज नहीं तो कल आने वाला है। तो रही बात वेदेंता के ऊपर, क्या वेदेंता के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए कुछ रिपोर्ट आपको मैं दिखाऊंगा, वेदेंता के रिपोर्ट देखेंगे तो म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट है सेप्टेम्बर मंथ में जितना उनका होल्डिंग था उतना क्वांटिटीज के आसपास यहाँ पे होल्डिंग बेचा गया। उसके बाद देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, इस चारों माह में माल उठाया गया, बाइंग किया गया मतलब म्यूचुअल फंड के माध्यम से। फिर से यहाँ पे देखिए फरवरी माह में अच्छा खासा सेल आउट दिखा गया। अभी मार्च मंथ खत्म होने वाला है, मार्च मंथ खत्म होने के बाद ही आपके सामने रिपोर्ट आएगा कि इस कंपनी के अंदर किस तरीके से म्यूचुअल फंड खुद का स्टेक बेच रहा है। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न की, तो मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे देखिए 2022 के रिपोर्ट के माध्यम से जो रिपोर्ट आया था इसके ऊपर आरोप लगाया गया था, तब से लेकर देखिए क्रैश देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको पहले भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया, ये लेवल बहुत स्ट्रांग लेवल है, इस लेवल को टच करके फिर से रिटेस्ट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इस लेवल तक आएगा अगर रिपोर्ट सही हुआ। अगर हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट को इसके फ्लेवर में दिया तो सोचना इस कंपनी की भी हालत अदानी ग्रुप के जैसे होगा, और मुझे तो लगता है इस लेवल तक 90 रुपीज तक आ सकते हैं। देखिए आप आज से ही सेल मत कर देना, क्योंकि अभी तक रिपोर्ट नहीं आया, ये मेरा प्रेडिक्शन है, तो मेरा प्रेडिक्शन सही होगा कि गलत होगा वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। जब पता चलेगा तब आप जरूर इसके ऊपर स्टडी करके अच्छा खासा इसके ऊपर स्टडी जरूर अभी से करना, क्योंकि आप कहेंगे सर आपके पास क्या इस कंपनी की हिस्सेदारी है? बिल्कुल भी नहीं।
मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करता जिस कंपनी का हालत पहले से ही खराब है। तो मेरे इस वीडियो को कैसे लगा, इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।